What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. Code देखे कितनी शानदार है. If you want something in your life you have never had, you will have to do something you have never done. तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि जो आप सब कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं लाइफ में, तो आपको कुछ डिफरेंट ही अपने प्लान बनाने पड़ेंगे, कुछ डिफरेंट ही अपनी स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि आपका जो डे बाय डे का शेड्यूल होता है नॉर्मल, जिस तरीके से आपका चलता रहता है उसी तरीके से आप काम करते रहेंगे और कुछ अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि आपको अपना आउट ऑफ द बॉक्स आना पड़ेगा. जो आपका डेली शेड्यूल है जिसमें आप नॉर्मल इंजॉय करते हैं अपने लाइफ को और आप अपने टाइम को अगर ढंग से देखें, देखिए एक चार्ट बना लीजिए जिसमें अपना 24 आवर का एक वो लिख लीजिए शेड्यूल, और अपना एक एक घंटा देखिए आप एक एक घंटे में क्या करते हैं, तो आप बहुत सा टाइम ऐसा पाएंगे जो कि आप इधर उधर वेस्ट कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है पूरे दिन में. तो पूरे 24 घंटे का एक चार्ट तैयार कीजिए, 24 घंटे में लिखते रहिए, मतलब 6-6 घंटे के बाद में उसमें लिखिए कि इस घंटे मैंने क्या किया, इस घंटे मैंने क्या किया और इस घंटे मैंने क्या किया, और 6 घंटे लगभग अपना सोने का रखिए उसमें. तो उसके बाद में आप देखेंगे कि मतलब आपका बहुत सारा टाइम आप ऐसा पाएंगे जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया होगा, तो उस टाइम को यूटिलाइज करें, उस टाइम को कहीं ना कहीं अच्छे प्रोडक्टिव वे में लगाएं अपने को. इसीलिए अगर कुछ डिफरेंट करना है तो थोड़ी तो डिफरेंट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी. अगर आप सोच रहे हैं नॉर्मल लाइफ जो आप जी रहे हैं उसके चलते ही आप सब कुछ पालेंगे, तो पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे देखिए मछली भी, और सारी मछली जो नीचे 6 मछलियां हैं वो आराम से इंजॉय कर रही है, पर लेकिन इसने अपना इतना क्रेज दिखाया कि इसमें से कूद के वो नेक्स्ट वाले उसमें जाने की कोशिश कर रही है. तो देखिए इतना तो क्रेज आपको करना ही पड़ेगा अगर आप नॉर्मल जिंदगी, जो कि यहाँ 6 मछलियां इनकी नॉर्मल जिंदगी है, इससे कुछ डिफरेंट पाना चाहते हैं. तो यही इस एग्जाम्पल में शो करने की कोशिश की गई है. ओके, आज 22 अप्रैल है, देख लेते हैं हमको कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं. पहले एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम पीआईबी डिस्कस करेंगे. ठीक है, एडिटोरियल और पीआईबी दोनों का डिस्कशन करेंगे. आइए देख लेते हैं. जो फर्स्ट आर्टिकल है वो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं. उसके आगे ही थोड़ा सा एडिशन है इसमें, जहां तक मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसके आगे ही थोड़ा सा इसमें एडिशन हो जाएगा. पहले एक बार तमिलनाडु का मैप देख लीजिए आप लोग. ये देखिए यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश टच करता है, यहाँ पे कर्नाटका और यहाँ पे केरला. ठीक है, तो थोड़ा इसको याद रखिएगा जिससे पता चल जाए कि मतलब मैप में आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है ना, चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन आता है आज निकल के. जो पौंडीचेरी है आप लोग बताइए वो कितने स्टेटों में पड़ता है. कुछ इसके 4 डिस्ट्रिक्ट हैं लगभग, तो 4 डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पे ये पड़ता है. ठीक है ना, एक तो यहीं पे दिख रहा है आप लोगों को, एक यहीं पे दिख रहा है, तो मतलब आप लोगों को बताना है 4 कहाँ कहाँ पे है. फिर सेकंड लेक्चर जब लूंगा उसमें इसको सारे को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं. ठीक है, आइए अब देख लेते हैं, आगे चलते हैं. देखिए जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिसंबर में 2016 में जयललिता जी एक्सपायर हो गई थी. उसके बाद में आप लोगों ने हमेशा देखा होगा जब भी उनको कुछ होता था, कोई प्रॉब्लम होती थी, तो हमेशा ओ पनीर सेल्वम को अपनी जगह हायर बना देती थी, मतलब अपना अधिकारी बना देती थी इनको. इसके बाद में क्या हुआ, जब ये एक्सपायर हो गई तो इसके बाद में भी यही हुआ, ओ पनीर सेल्वम जो वो केयर टेकर मतलब चीफ मिनिस्टर बन गए उस टाइम पे. तो उस टाइम पे एक नई चीज देखने को मिली, तो जो वीके शशिकला जी हैं, जो कि इनकी आप लोग बोल सकते हैं लंगोटिया यार काइंड ऑफ चीज थी, मतलब हर टाइम इनके साथ रहती थी, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को सामने लेके आए कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है और मुझे मेरे हाथ में पावर होनी चाहिए. ठीक है, तो सारे जो मैक्सिमम एमएलए थे वो भी इनके साथ में ही थे. तो ओ पनीर सेल्वम जी को, मतलब पहले तो ओ पनीर सेल्वम जी ने बोला कि मैं अपनी इच्छा से चीफ मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ना चाहता हूँ, तो ये चीफ मिनिस्टर की पोस्ट छोड़ चुके थे. इसके बाद में इन्होंने क्या बोला, कुछ दिनों बाद इनकी स्टेटमेंट आती है बड़ी कॉन्ट्रोवर्सियल. ये कहते हैं मैंने अपनी इच्छा से नहीं छोड़ा, मुझे छोड़ने के लिए फोर्स किया गया है, और यहीं से नया ड्रामा स्टार्ट हो जाता है. अब वो ड्रामा क्या स्टार्ट होता है, वो ड्रामा ये स्टार्ट होता है कि ये जो पार्टी थी जयललिता जी की AIADMK, तो ये क्या होती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है. एक साइड में तो ओ पनीर सेल्वम जी हो जाते हैं और दूसरी साइड में शशिकला जी हो जाती हैं. तो इन दोनों के गुट को देखते हुए दोनों में खूब लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं. कोई कह रहा है मैंने एमएलए को वहां छुपा दिया, ये कह रहा है इन्होंने एमएलए को पकड़ लिया, तो काइंड ऑफ चीज चलती रहती है. इसी बीच एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली घटना होती है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है. अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तो वीके शशिकला जी चीफ मिनिस्टर बन चुकी होती, तो उसी के ड्यूरेशन में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है जो कि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट मतलब आय से ज्यादा संपत्ति का केस था. तो इन पे आय से ज्यादा संपत्ति का केस चल रहा था जो कि जयललिता जी पर भी चल रहा था. तो जयललिता जी तो एक्सपायर हो चुकी है, तो यहाँ पे तो कोई मतलब बनता नहीं था, पर लेकिन जो शशिकला जी थी उनको जेल हो जाती है. तो जेल होने के बाद में चीफ मिनिस्टर बनने की जो ख्वाहिश थी वो खत्म हो गई यहाँ पे. अब कौन बच गया, अब ये इनके नेफ्यू है नीचे, ये दिनकरण जी, TTVD दिनकरण जी. तो ये भी अभी आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें चल रही हैं. तो इस बीच क्या हुआ, फिर ये एक एक खेमा ये हो गया, अब एक खेमा ये हो गया, तो इस वाले खेमे ने क्या किया, चीफ मिनिस्टर इनको बना दिया, इड्डापड्डी के पलीना स्वामी. तो आज की डेट में ये चीफ मिनिस्टर है. ठीक है, तो ये चीफ मिनिस्टर है, तो ये चीजें चल रही है, सही है, यहां तक सही है. अब इससे आगे क्या होता है, इससे आगे ये होता है बाई इलेक्शन होने की बात आती है.
तो बाई इलेक्शन होने की बात आती है। बाई इलेक्शन मैंने बोला था आप लोगों को, एक तो नॉर्मल इलेक्शन होते हैं जैसे कि मतलब स्टार्टिंग में हो जाते हैं, उसके बाद में अगर कोई पोस्ट खाली हो जाती है किसी के मरने से, या फिर कोई रिजिग्नेशन दे देता है, या कोई कन्वेक्टेड पाया जाता है इस तरीके से, तो उस पे बाई इलेक्शन होते हैं फिर उस सीट पे जो खाली पड़ी रहती है। तो जयललिता जी की सीट खाली पड़ी थी जिसको आर के नगर कंस्टिट्यूएंसी भी बोला गया था। अब ये माना गया, इन दोनों ने क्या सोचा कि जो भी इस आर के नगर कंस्टिट्यूएंसी को जीतेगा, जो भी इस सीट को जीतेगा, वही असली उत्तराधिकारी होगा जयललिता जी का। तो एक साइड में तो ये लग गए अपनी पूरी जुड़तोड़ कोशिश करने के लिए, और दूसरी साइड में ये लग गए। तो उसमें इतनी ज्यादा घपले करने की कोशिश करी इन्होंने, मतलब जितना भी करप्शन आप लोग बोल सकते हैं, जितना भी ब्राइब देनी हुई लोगों को, जो भी पहुंचाना हुआ, किसी के फोन रिचार्ज करवा दिए, न्यूज़पेपर में पैसे रख के भेज रहे हैं, किसी के पेटीएम में पैसे डलवा दिए, तो इस तरीके खूब चीजें देखने को मिली वहां पे, ठीक है। पर उससे पहले एक चीज क्या होगी, उससे पहले एक और घटना हुई थी, उससे पहले एक घटना हुई थी कि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने है, ये सिंबल है इसका AIADMK का, इसको फ्रीज कर दिया। तो इसका मतलब ना तो ये इस सिंबल के थ्रू लड़ सकते हैं जो कि आर के नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, ना ये इस सिंबल के थ्रू लड़ सकते हैं। तो यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने देख ली थी। अब देखिए देखने को क्या मिल रहा है, अब यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने यहाँ तक भी मतलब ब्राइब देने की कोशिश करी कि ये सिंबल इनको दे दिया जाए, तो काइंड ऑफ चीजें चली, वो चीजें सामने आ गई। तो इनके जो है मतलब पूरी कंडीशन खराब हो चुकी है आज की डेट में। तो अब देखने को क्या मिल रहा है, अब ये सोच रहे हैं कि हम दोनों को एक जगह मिल जाना चाहिए, अगर अलग अलग लड़ते रहे तो डीएम के जो दूसरी पार्टी है यहाँ पे तमिलनाडु में, वो फायदा उठा के ले जाएगी। अगर डीएम के फायदा उठा के ले जाएगी तो वही रहता है ना, हम दोनों लड़ते रहेंगे, बीच में मजा कोई और ले गया, तो इसी तरीके की चीज बन जाएगी यहाँ पे आगे। तो उसको टैकल करने के लिए अब इनके माइंड में ये चल रहा है कि हम दोनों को जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। अगर जुड़ना भी चाहिए तो ये बोल रहे हैं कि देखिए इनकी इमेज खराब हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं ओपनर सिलोम के माइंड में चल रहा है कि जुड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इमेज खराब हो चुकी है, तो मुझे मतलब ज्यादा फेवर मिलने की जरूरत है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब वोटर किसकी साइड में है, वोटर किसको अपना असली उत्तराधिकारी देख रहे हैं, जयललिता जी का, तो उसी के ऊपर कंफ्यूजन है। अभी देखिए आने वाले टाइम में क्या देखने को मिलता है, अभी फिलहाल की सिचुएशन ये है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है, इससे फालतू तो आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, जो ये नॉर्मल कंडीशन है, जो सिचुएशन है ग्राउंड पे, वो ये चल रही है अभी फिलहाल की डेट में, ठीक है। ये आउट ऑफ द पिक्चर है, ये चीफ मिनिस्टर है, एक पार्टी ये है और दूसरी पार्टी ये है, इन दोनों के बीच में घमासान है, अब देखिए जुड़ती हैं या नहीं जुड़ती हैं। और जुड़ने के बाद में अगर ये जुड़ जाती हैं तो क्या होगा, ये इलेक्शन का सिंबल जो है उनको मिल जाएगा जिसके ऊपर मैक्सिमम लड़ाई चल रही है, ये इलेक्शन सिंबल जो है। तो ये सोच रहे हैं कि किसको मिल, मतलब अगर दोनों एक जगह जुड़ जाएंगे तो फिर ये सिंबल इनको फिर से मिल जाएगा जो कि पार्टी का मेन सिंबल है। तो ये इसके बारे में सोच रहे हैं कि एक जगह जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था। अब ये वाला नेक्स्ट आर्टिकल है, ये वाला नेक्स्ट आर्टिकल फ्रांस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक बार फ्रांस को देख लेते हैं, पड़ता कहाँ पे है ये मैप में, ये देखिए ये हो गया यहाँ पे फ्रांस, ऊपर जर्मनी हो गया, नीचे स्पेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं इसको जूम करके, फ्रांस को, ये फ्रांस हो गया। आप लोग क्वेश्चन है ये वाला जो पड़ता है यहाँ पे, ये एक चैनल है, इस चैनल का नाम बताना है आपको, ठीक है, बहुत सारे तो जानते होंगे, बताना है आप लोगों को ये चैनल पड़ता है, इस चैनल का नाम क्या है, ठीक है। ये बिस्के हो गया, बे बिस्के हो गया यहाँ पे, तो ये चीजें मतलब देख लीजिएगा इसको। तो देखिए फ्रांस में इलेक्शन हो रहे हैं प्रेसिडेंट के, मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, फ्रांस के इलेक्शन से ज्यादा बेटर है कि हम अपने इलेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं यार, उनकी पॉलिटिक्स है, अपना इलेक्शन देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन आने वाले हैं अभी, तो अपने वाले प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ्रांस के इलेक्शन जब होंगे, जब चुन के आएगा उनका, बस नाम देख लेंगे कौन सी पार्टी चुन के आई है, उससे फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी अपने इलेक्शन के बारे में देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कैसे इलेक्शन का चक्कर है जो प्रेसिडेंट के, क्योंकि 2012 में प्रणब मुखर्जी जी चुन के आए थे, अब 2017 में इनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अब नेक्स्ट कौन प्रेसिडेंट आने वाला है इंडिया में वो देखने को मिलेगा हमको। तो उसी के ऊपर आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि सोनिया गांधी जी से दिल्ली में आके सब मिल रहे हैं, पहले अभी बिहार के चीफ मिनिस्टर मिल के आए, अभी वेस्ट बंगाल से भी मिलने आ रहे थे, तो सब उनसे मिलने आ रहे हैं कि क्योंकि वही एक मेजर पार्टी है यहाँ पे, तो किस तरीके से प्रेसिडेंट को चुना जाएगा, तो उसके बारे में देखने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे आप लोगों को तीन चार चीजें अच्छी देखने को मिलेगी, मैं थोड़ा सा डिटेल में चीजों को बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहले एक बार देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं। देखिए नॉर्मल जो होता है, पार्ट 5 में प्रेसिडेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, पार्ट 5 में लिखा हुआ है, और पार्ट 5 में ये लिखा हुआ है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो आर्टिकल कितने से कितने तक आते हैं, आर्टिकल 52 से 78 तक ये यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है ना। तो पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो बात कर रहे हैं हम यूनियन एग्जीक्यूटिव में। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, कि जैसे आप लोग जानते हैं एक साइड में होती है लेजिस्लेटिव, दूसरी साइड में होती है जुडिशरी, और तीसरी साइड में होती है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का जी लिख दिया, और तीसरी साइड में होती है एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। तो और इसके साथ में एक और पिलर मान लिया जाता है, वो मीडिया को बोल दिया जाता है कई बार, कि एक मीडिया भी हो गया, ठीक है। तो पहले हम अभी इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर की नॉर्मल बात भी हम लोग कर चुके हैं कई बार। तो जो ये यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है,
तो आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है, एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले तो कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। दूसरे नंबर पे कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट। दूसरे नंबर पे कौन हो गया? वाइस प्रेसिडेंट। तीसरे नंबर पे कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर, जो कि लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे कौन हो गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और चौथे नंबर पे हो गया, पांचवें नंबर पे कौन हो गया? पांचवें नंबर पे हो गया अटोर्नी जनरल। ठीक है ना, तो एग्जीक्यूटिव में नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये आदमी आते हैं, और यहाँ पे जो हेड होता है, जो स्टेट ऑफ द हेड बोला जाता है, उनको बोला जाता है प्रेसिडेंट को, और जो स्टेट ऑफ जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है, वो बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर को। तो यहाँ पे हम इस पोस्ट की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखिए आर्टिकल 54 में क्या लिखा हुआ है, जो इलेक्शन में है, इलेक्शन प्रोसेस में, आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोल कॉलेज, ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोल कॉलेज क्या है? यहाँ पे एक ग्रुप रख दिया गया है कि कौन कौन आदमी यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। देखिए हमारे प्रेसिडेंट जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रेसिडेंट है, तो इनको चुनने का भी प्रोसेस है डेमोक्रेटिक ही होना चाहिए, तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। पर लेकिन अगर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बात ये याद रखनी है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट मतलब, इनडायरेक्ट का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि हम जो है अपने यहाँ से एमपी चुन के भेजते हैं, ठीक है ना, एमएलए चुन के भेजते हैं। तो एमपी जो हो गए वो सेंटर में हो गए, एमएलए जो हो गए वो स्टेट में हो गए, हम लोग इसको चुन के भेज रहे हैं। तो हमने इसको चुन के भेज दिया, पर लेकिन हम प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए नुमाइंदे, हमारे द्वारा चुने गए आदमी प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इसका मतलब हम नहीं डायरेक्ट चुन रहे हैं, हमारे द्वारा चुने गए आदमी इनको चुन रहे हैं प्रेसिडेंट को, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें आता कौन है? तो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आ गया, पहली बात तो ये आ गई, पार्लियामेंट में दोनों चीजें आ गई, लोकसभा भी आ गई और राज्यसभा भी आ गई। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, आप लोगों को याद रखना है, लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड मेंबर आते हैं, तो वहां पे भी वो आदमी यहाँ पे वोट डालेंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम एमएलए बोलते हैं, तो एमएलए आ गए यहाँ पे। तीसरे नंबर पे आपको दो यूनियन टेरिटरी नाम रखना है, जो कि कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत बार बोल भी दिया जाता है। इसमें दो यूनियन टेरिटरी आती है, एक दिल्ली आती है और दूसरा पुडुचेरी आती है। ठीक है, तो ये दोनों क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, और यहाँ पे इलेक्शन होने के बारे में चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, तो इसलिए ये दो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इलेक्शन की वजह से ये दो ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो यहाँ पे इसमें वो डालती है, मतलब वोट डालती है। ठीक है, तो इन सब के द्वारा मिलके प्रेजिडेंट को चुना जाता है, आप लोगों को याद रखना है, इसको इलेक्ट्रोल कॉलेज बोलते हैं। यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, इलेक्टेड मेंबर ही वोट डालते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी बनाए रखने के लिए इलेक्टेड मेंबर को ही यहाँ पे वोट डालने के लिए अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ओथ दिलाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज के द्वारा, ये याद रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ पे लिखा हुआ है? ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है 54 में जो प्रोसेस है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 58 में लिखा हुआ है। सबसे पहले तो बात यही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है, एज जो होनी चाहिए वो 35, 35 याद रखिएगा, ये एज कई जगह डिफरेंट है, अगर इस एज को आप ढंग से देखेंगे तो। इस एज का भी कंफ्यूजन एक बार दूर किए देता हूं। अभी देखिए नॉर्मल जो होता है लोकसभा में, अगर आपको लोकसभा में एमपी बनना है तो आपकी एज 25 होनी चाहिए, इससे भी पहले नीचे जाते हैं। अगर आपको वोट डालना है तो आपकी एज 18 होनी चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको एमपी बनना है तो आपकी एज 25 होनी चाहिए। ठीक है, और यही 25 एज एमएलए के लिए भी होती है, अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट में एमएलए बनना है तो उसकी भी एज 25 होती है। ठीक है, ये यहाँ पे चीजें इसके बारे में, जो एमपी के बारे में जो लिखी हुई है वो आर्टिकल 84 में लिखी हुई है, और जो एमएलए के बारे में लिखी है वो आर्टिकल 173 में लिखी हुई है। ठीक है, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज 30 ईयर होनी चाहिए, 30 ईयर, 30 ईयर याद रखना, राज्यसभा में 30 ईयर, क्योंकि वहां पे थोड़े समझदार आदमी चाहिए। ठीक है, तो मतलब ऐसी बात नहीं है कि लोकसभा में समझदार नहीं होते हैं, मतलब माना जाता है कि वो एक समझदारों का हाउस है, जैसा कुछ करके बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी होगी, तो ये भी 84th आर्टिकल में लिखी है, तो लोकसभा के जो एमपी हैं और राज्यसभा में जो हैं, तो इन दोनों का है 84th आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना है, और जो एमएलसी होती है उसकी भी 30 होनी चाहिए, जो कि कुछ स्टेटों में है। ठीक है, तो चलिए वैसे पूछ चुका हूँ पर फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ये बताइए कितने स्टेटों में एमएलसी है? ठीक है, सभी स्टेटों में नहीं है, कितने स्टेटों में एमएलसी है नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कितने स्टेटों में है वो। ठीक है, उसका याद करने का मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था लास्ट टाइम, कुछ करके आप लोगों को याद होगा, अगर रिविजन कीजिए, वरना सेकंड लेक्चर लूंगा जब, उसमें इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास में तीन एज हो गई, एक तो हो गई मतलब एक तो ये वाली एज हो गई, ठीक है, जो कि 18th है, इसको साइड में रखिए, अभी 20, अभी 25 हो गई,
और 30 हो गई, और 35 किसके लिए हो गई, प्रेसिडेंट के लिए हो गई। तो ये एज ग्रुप है आप लोगों को जिसको याद रखना है, ठीक है। और आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो एक मेंबर है इलेक्ट मतलब लोकसभा के मेंबर बनने के लिए इनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं इनके पास में होना चाहिए, मतलब किसी के अंडर गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं कर रहे हो ये, कहीं पे कहीं और से पैसे नहीं कमा रहे हो, तो ये भी क्राइटेरिया यहाँ पे होना चाहिए अगर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बनना है तो। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और होती है, वो भी थोड़ा देख लीजिए, कंफ्यूजन आप लोगों को रहता होगा कई बार। यहाँ पे क्या किया जाता है, देखिए वैल्यू निकाली जाती है कि वैल्यू क्या है वोट की। तो वोट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो एमएलए की वोट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है आप लोग देख लीजिए एक बार। यहाँ पे किया क्या जाता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट की वोट की वैल्यू निकालनी है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। पहले तो ऊपर ये आ गया, फिर आ गया टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर है उनको, मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट नीचे टोटल इलेक्टेड मेंबर स्टेट, तो किससे इससे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए नॉर्मली तो करते नहीं है, पर लेकिन देखिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसको कम करने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो नंबर को कम करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ये भी वैल्यू कई बार पूछी जा चुकी है क्वेश्चन में कि कितने से डिवाइड करते हैं, तो 1000 से डिवाइड करते हैं। और ये भी पूछा जाता है क्यों कम करते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसको डिवाइड करने के लिए, जिससे कि नंबर जो है वो कम आए निकल के, ठीक है। तो इसलिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एमएलए की जो वोट की वैल्यू होती है वो निकालते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे जाके। इसके बाद में आता है वैल्यू ऑफ द एमपी वोट। तो एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ द वोटर्स ऑफ ऑल द एमएलए ऑफ ऑल द स्टेट, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द वोटर्स। तो टोटल वैल्यू ऑफ द वोटर जितने भी हैं जिन्होंने एमएलए ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करने के लिए की गई है, तो उनकी वैल्यू, ठीक है। याद रखिएगा इसको, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड इलेक्टेड जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट की यहाँ पे ले रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी इनकी, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल जितने भी इलेक्टेड होके आए हैं ये, उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द ऑल एमएलए ऑफ ऑल द स्टेट, तो यहाँ पे ज्यादा वैल्यू नहीं आएगी इसके जितने एमएलए ऑफ द स्टेट है, तो डिवाइड फिर इनसे करना है। तो ये आप लोगों को इनकी इनकी वोट जब निकाल दी जाती है, उसके बाद में फिर ये वोटिंग मतलब की जाती है, और इनकी वैल्यू के बेस पे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। तो इस तरीके से जो इलेक्शन होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, इस तरीके से बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट नहीं कर रही है। चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन और डालता हूँ यहाँ पे। एक तो फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है ना, फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, पहले तो ये बताइएगा फर्स्ट कौन थे, और फिर इसके बाद में फेवरेट बताइएगा, जो कि सबके फेवरेट है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का कौन सा नंबर था, ठीक है ना। इनके बारे में बताइएगा ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, और जो प्रणब मुखर्जी जी हैं वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। जो प्रणब मुखर्जी जी हैं जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है। तो तीनों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तीनों को आप लोगों को आंसर देना है तीनों क्वेश्चन का, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, और ये कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पे दूर कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे हमने इलेक्शन की बात करी है, इलेक्शन प्रोसेस ही हो गया, इसके बाद में अगर हमको इम्पीचमेंट करना है, अगर प्रेजिडेंट को हटाना है, तो वर्ड यूज करते हैं इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट वर्ड यूज करते हैं प्रेजिडेंट को हटाने के लिए। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, देखिए जो इलेक्शन करने में ये आदमी यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, पर इम्पीचमेंट में दो थोड़ी सी चेंज हो जाते हैं, इनमें से कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है इम्पीचमेंट में हटाने के लिए, दिल्ली और पांडिचेरी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पहली तो चीज ये याद रखनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट चीज आपको ये याद रखना है कि दिल्ली और पांडिचेरी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। दूसरा क्या रखना है, हटाने में जो कि इलेक्शन जो प्रोसेस होता था, जो इलेक्ट करने में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आते थे, जो कि पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आते थे, पर लेकिन यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट डालेंगे। तो ये दो छोटे छोटे चेंजेस हैं, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में घुमा घुमा के, तो आप लोगों को घुमा घुमा के परेशान किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे दिल्ली और पांडिचेरी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, और नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालेंगे। यहाँ पे जब हटाने की बात आएगी तो नॉमिनेटेड मेंबर वोट डालेंगे, और दिल्ली और पांडिचेरी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, हल्का सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, तो आप लोगों को ये क्लियरिटी रखनी है माइंड में। ओके, ये ऊपर वाला आर्टिकल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो किसी मतलब का नहीं है, और ये वाला आर्टिकल किसी पर्टिकुलर
किसी पर्टिकुलर इंसान से या पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड रहता है, तो इसमें भी कुछ खास चीजें नहीं रहती हमारे लिए। ये वाला आर्टिकल लोकपाल से रिलेटेड है, ये वाला आर्टिकल अच्छा है, इस वाले आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसके बाद में फिर पीआईबी की न्यूज देखेंगे हम लोग। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए ये वाला आर्टिकल लोकपाल से रिलेटेड है, पूछ हुआ क्या है अभी लोकपाल से रिलेटेड मैटर में। एक्चुअली लोकपाल एक्ट पास हो चुका है, ठीक है, तो लोकपाल एक्ट पास हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इतने पहले पास कर दिए थे लोकपाल एक्ट, अब तक उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया है। ठीक है, तो वेन विल ऑपरेशनलाइज, मतलब बोल रहे हैं कि कब तक उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इवन उसको डायल्यूट फॉर्म भी कर दी गई है, फिर भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए पूछा गया है, तो अटोर्नी जनरल जो कि मुकुल रोहतगी जी है, उन्होंने क्या जवाब दिया है। उन्होंने ये जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि कोर्ट हैज नो पावर टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट करने की कोई पावर नहीं है कोर्ट के पास में, कि जो लॉ बना दिया है उसको कब तक इन्फोर्स करना है और कब नहीं करना है। लॉ बना दिया है वो हमारा काम है इन्फोर्स करने का, तो ये हमारा मैटर है, आप दूर रहिए। तो ये हमारे मुकुल रोहतगी जी बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है यहाँ पे। तो देखिए मैंने आप लोगों को अटोर्नी जनरल के बारे में बताया था, ये एक लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट की साइड से। अगर कुछ भी बात होती है गवर्नमेंट की, आर्टिकल 76 में आता है, कुछ भी बात होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट की साइड से ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़ते हैं। जितना हम लोगों ने देखा था, बार बार आप लोग न्यूज में भी सुनते होंगे, हमेशा बोलते हैं फटकार लगा दी या लताड़ दिया, तो काइंड ऑफ वर्ड यूज करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कभी कभी भी जाके ये नहीं बोलते, आराम से प्यार से बात करता है, तो हमेशा फटकार लगाई जाती है मैक्सिमम टाइम। और अटोर्नी जनरल के बारे में मैंने कई सारी चीजें और बताई थी। देखिए ये चीजें कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कंफ्यूज करने के लिए। एक तो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड रहते हैं कंप्लीटली, ठीक है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा ही चुने जाते हैं। और बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक और बात याद रखनी है, इनका टेन्योर कुछ भी फिक्स नहीं होता है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक इनको रखेंगे, और जिस दिन चाहे, जिस दिन इनको चाहेंगे नहीं उस दिन इनको साइड में रख देंगे। तो कंप्लीटली जो विल है ये प्रेसिडेंट की विल के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है और क्लियर रखना है माइंड में। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है कि इतनी कंप्लीट इतने टाइम तक ये रहेंगे, उसके बाद हटाए जाएंगे, कुछ नहीं लिखा है इससे रिलेटेड चीजें। और इनकी और तो और सैलरी भी फिक्स नहीं होती, वो भी प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड होती है। अगर इनको मन नहीं कर रहा है किसी के अंडर काम करने का, तो ये अपना रेजिग्नेशन भी प्रेजिडेंट को ही सौंप के जाएंगे, रेजिग्नेशन लेटर भी प्रेजिडेंट को ही सौंपेंगे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, और एक चीज और बता देता हूँ स्टेट के बारे में। देखिए अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है सेंटर में, इसके इक्विवेलेंट जो पोस्ट होती है स्टेट में उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में लिखा गया है। ठीक है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में बताइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में किस अंडर आर्टिकल के आते हैं। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे अटोर्नी जनरल के बारे में मैंने बताया, थोड़ा रिविजन हो जाएगा साथ साथ में। तो देखिए पहले थोड़ा सा लोकपाल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यही जानना है कि लोकपाल, लोकपाल मतलब लोक माने आदमी, पाल माने रखवाला, तो लोगों का रखवाला बोलते हैं लोकपाल को, और स्टेट में इसको लोकायुक्त बोलते हैं। ठीक है, तो लोकपाल हो गया लोगों का रखवाला और लोकायुक्त बोलते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको इसको देखिए, ऑथोरिटी, और ओम्बुड्समैन भी बोलते हैं इसको, ओम्बुड्समैन, ठीक है ना, ओम्बुड्समैन बोला जाता है मैक्सिमम कंट्री में इसको, हमारे देश में इसको लोकपाल बोला जाता है। जो ये कॉन्सेप्ट बोरोड किया गया वो स्वीडन से बोरो किया गया है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वीडन भी देख लो आप, इच्छा पूरी हो जाएगी। ये वाला स्वीडन हो गया, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई ह्यूमन राइट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट से इंडेक्स आता है, या कोई भी शांति वाले इंडेक्स आते हैं या प्रोस्पेरिटी वाले इंडेक्स आते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड की एजेंसी निकाल के लाती है, उनमें ये कंट्री सबसे ऊपर है। ये कंट्री सबसे ऊपर इसीलिए है क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे चीजें हैं यहाँ पे, जैसे कि ओम्बुड्समैन हो गया मतलब लोकपाल जिसको हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे पावर उनको बहुत अच्छे से दे रखी है, तो वहां पे जो डिफाइन कर रखी है ना चीजें, वो बड़ी क्लियरिटी में है चीजें, तो इसलिए वहां पे कोई भी रोष नहीं रहता, करप्शन बहुत कम है, सब लोग अपना एंजॉय करते हैं आराम से, तो इस तरीके का वहां पे इन्वायरमेंट बना हुआ है। हमारे यहाँ पे हालांकि बन रहा है आराम आराम से, टेंशन मत लीजिए, नहीं बन रहा है तो हम जैसे लोग बना देंगे मिलके, बस लगे रहिए, कुछ ना कुछ तो बना के जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बना के जाएंगे कि जो आने वाली जनरेशन को फायदा हो। ठीक है, तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए, तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, वो तो आप जानती हैं। आइए अब आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम पे हुआ क्या क्या था, अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चला था पूरा 2011 में, जब वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, तो तब जाके इस तरीके के स्टेप लिए गए थे। ठीक है ना, तो 2013 में इसको पास किया गया। और देखिए जो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, तो सबके ऊपर अगर करप्शन का चार्ज है कोई, तो वो लोकपाल के अंदर में आते हैं। ठीक है, अब ये है जो प्रपोजल दिया गया है जो गवर्नमेंट के द्वारा, और ये है अन्ना हजारे जी ने बोला था, तो इन्होंने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे आप लोगों ने वर्ड भी पढ़ा था जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था, कि इवन डायल्यूटेड फॉर्म, मतलब जो नॉर्मल है वो तो इन्होंने बनाया नहीं है, जो डायल्यूटेड वाला फॉर्म इन्होंने पास किया है एक्ट, उसको भी इम्प्लीमेंट करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं।
तो ये वर्ड इन्होंने इसीलिए यूज किया है पे, डाइल्यूटेड फॉर्म। तो डाइल्यूटेड फॉर्म ये यहाँ पे दे रखी है, क्या क्या इन्होंने डाइल्यूट किया यहाँ पे देखिए। तो लोकपाल की इन्होंने धज्जियां देखे किस तरीके से उड़ाई गई है यहाँ पे। सबसे पहला तो यही वाला पॉइंट देखिए, लोकपाल हैव नो पावर ऑफ द इनिशिएट शू मोटो। शू मोटो एक्शन क्या होता है, मतलब जैसे न्यूज में कोई खबर आ रही है या फिर कोई भी किसी ने आके बाहर वाले आदमी ने बता दिया, तो उस पर अपना खुद से एक्शन ले सके। तो ये बोल रहे हैं लोकपाल इस तरीके कोई एक्शन नहीं लेगा जब तक लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन मैटर को फॉरवर्ड नहीं कर देता है, और जबकि यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ था। ठीक है, दूसरे में क्या बोला है कि लोकपाल एक एडवाइजरी बॉडी है, यहाँ पे एडवाइजरी नहीं बोला था। एडवाइजरी बॉडी तो फिर वही हो जाएगी ना, पेपर पे पड़ी रहेगी, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो ओनली एडवाइस दे सकती है, उसके बाद में जो काम करेंगे वो हम ही को करना है। ठीक है ना, तो ये बोला गया, तो यहाँ पे भी डाइल्यूट कर दिया। नो पुलिस पावर, पुलिस की पावर नहीं है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे रख दिया गया, जबकि यहाँ पे बोला था पुलिस की पावर देनी है लोकपाल को और इसके अंदर FIR वगैरह की जा सकती है, तो इन्होंने इसको भी हटा दिया। ये बोला है नो मेंशन CBI रोल, यहाँ पे CBI का रोल कुछ नहीं मेंशन किया है। अन्ना हजारे जी ने बोला था कि CBI की एंटी ब्रांच जो एंटी करप्शन विंग है वो हमारे अंडर में दो, हम उसको मतलब वो लोकपाल के अंदर में रखो, ये भी इन्होंने हटा दी। आगे देखिए क्या कह रहा है, अन्ना हजारे जी ने बोला था कि 5 साल की तो मिनिमम सजा होनी चाहिए जो पनिशमेंट देना है, और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट होना चाहिए। इन्होंने 5 साल को बटा के 6 साल कर दिया और मैक्सिमम 7 साल कर दिया, तो यहाँ पे भी इसको डाइल्यूट कर दिया। और ये नीचे वाला भी सबसे अच्छा है, इसमें क्या बोला गया था, यहाँ पे बोला गया था कि अगर जो आप करप्शन करते हैं और वो वेल्थ आप कहीं ले जाते हैं, मतलब जैसे मालवीय जी, विजय मालवीय ले लीजिए, उन्होंने क्या किया दुनिया भर के पैसे लेके भाग गए, तो अगर इस तरीके का केस होता है तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि उसको रिकवर किया जाएगा, उनकी हड्डी किडनी या कुछ भी हो उनके पास में सब बेच डालो। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनके पास में जो प्रॉपर्टी है उसको बेच डालो। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि उसको रिकवर करना है। ठीक है, तो ये भी और ज्यादा बात हो गई। तो ये इस तरीके का इन्होंने बना दिया है, टूथलेस टाइगर आप लोग बोल सकते हैं इसको बना दिया है, और उसको भी इम्प्लीमेंट करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आर्टिकल में ये बातें बोल रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है। टाइमलाइन और कॉस्ट, मतलब जब से बोला गया था कि इसको बनाने में और कॉस्ट इतनी लगेगी, तो देखिए 1968 से स्टार्ट किया गया था, बोला था इतनी कॉस्ट लगेगी, तब से लेके इतनी बार ट्राई किया जा चुका है लोकपाल बनाने के लिए, तो ज्यादा याद वाद रखने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि हाँ बहुत बार ट्राई कर चुके हैं और अब बोला गया कि इतनी कॉस्ट लगेगी सारी चीजों को प्रॉपर वे में करने के लिए। ठीक है ना, तो 8 टाइम्स इज 1968, तो ये थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखने की नहीं पर पता होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि अभी 2-3 साल से स्टार्ट किया है अन्ना हजारे जी ने आके, 2008-10 से स्टार्ट कर दिया, तो पुरानी मुहिम चल रही है ये, तो ठीक है ना, तो आप लोगों को याद रखना है थोड़ा सा ये। और देखिए यहाँ पे इसके बारे में मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने पोल प्रॉमिस जो किए थे उस टाइम पे जब पोल हो रहे थे कि हम करप्शन हटा देंगे, आते ही लोकपाल बना देंगे और 100 दिन के अंदर अंदर जितने भी करप्ट MLA या MP है, मतलब जितने भी MP है उनको जेल में पहुंचा देंगे, तो ये सारी चीजें इन्होंने वो करी थी, पर उसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको। और तो और जो बना हुआ है उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो एंटी करप्शन लॉ तो दूर दूर तक छोड़ दीजिए जिसके बारे में कुछ किया नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आज की डेट में जो लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन में, उसकी जो सीट है लगभग 44 है कांग्रेस की, ठीक है, और उसमें लोकसभा में, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक अपोजिशन लीडर होना चाहिए, तो अपोजिशन लीडर होने के लिए मिनिमम 54 के करीब सीटें होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था, शायद नंबर कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा इसको, मतलब कहने का मतलब यह है जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड सीटें हैं, आप लोग एक बस जिस्ट समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन का कॉन्सेप्ट जब होता है कि मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन एक नॉर्मल इन्होंने वो रखा था कि मिनिमम इतनी सीटें होनी चाहिए, ठीक है, तो मिनिमम इतनी सीटें होंगी तो लीडर ऑफ अपोजिशन बताया जाएगा, तो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन भी आज की डेट तक डिफाइन नहीं है ढंग से, हालांकि एक टेम्पररी बेस पे रख दिया गया है, पर लेकिन देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर एक जो कन्वेंशन चली आ रही थी उसके बेस पे नहीं है कि इतनी सीटें होनी चाहिए, तो कांग्रेस के पास भी उतनी सीटें नहीं है जो कि लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन में। अब होता क्या है, बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकपाल को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके लिए बनाया जाता है लोकपाल को, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का उसमें रोल होता है अपॉइंटमेंट करने के लोकपाल को, तो इसीलिए ये बात की जा रही है कि आप तक आज तक आपने ये भी फॉलो नहीं किया और तो आप क्या फॉलो करेंगे। और डाइल्यूट कई सारी चीजें कर दी हैं, एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि देखिए जो एसेट्स होती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल की या फिर उनकी स्पाउस की, उसको बोला गया था कि इसको डिक्लेयर करो, तो इन्होंने उसको बोला गया कि मतलब चिल्ड्रन तक का डिक्लेयर करने के लिए बोला गया था यहाँ पे, पर लेकिन जो अमेंडमेंट किया गया लोकपाल में वो 2016 में, तो क्या किया है कि वो उसको भी दूर कर दिया, जो कि पब्लिक सर्वेंट उसके एसेट्स या बच्चों की जो उससे है मतलब उसको भी, और जबकि ओरिजिनल लॉ में था वो, तो उसको भी दूर कर दिया गया, तो इसको और ज्यादा डाइल्यूट कर दिया गया, तो एक तो बात ये बोल रहे हैं।
तो फिर मतलब क्या कि देखिए, जो भी आदमी अगर कोई वो कर रहा है, दूसरी बात क्या होगी, कोई भी आदमी आज की डेट में अगर कोई पैसा इलीगल वे में कमा रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी फैमिली के नाम करेगा, तो फैमिली को भी आउट ऑफ द उसमें आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों ने रख दिया गया है, तो उस पर भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसको डायल्यूट कर दिया गया। दूसरा क्या बोला था इन्होंने, इन्होंने ये लोकसभा में बोला था कि बाकायदा हम लोकपाल में जो अमेंडमेंट है उसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजेंगे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है, दूसरी स्टैंडिंग कमेटी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि मतलब दोनों मेंबर होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं और राज्यसभा के भी होते हैं, तो इस तरीके से इसको डिसाइड किया जाता है। तो उसके पास इन्होंने बोला था भेजेंगे, तो इनको लगा कि वहां पे भेजेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, फिर वहां पे हा हुल्ला मचेगा, तो इन्होंने उसको भी नहीं भेजा, ये भी काम खत्म कर दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, परमिशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, अगर कोई करप्टेड मेंबर पाया जाता है ऑफिशियल, मतलब जिसको जो मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अगर कोई करप्टेड मेंबर पाया जाता है ऑफिशियल, कोई करप्ट पाया जाता है, तो उस पे केस चलाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट परमिशन क्यों देगी भैया, गवर्नमेंट के हाथ से तो गवर्नमेंट के मिले जुले तो वो करप्शन कर ही रहा है, गवर्नमेंट तो करप्शन करवा ही रही है, तो ये तो इन्होंने धांसू काम कर दिया। तो ये भी बोल रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट पे अगर, यहां तक तो छोड़िए, अगर रिटायर होने के बाद भी उस पर केस चलाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, जो रिटायर हो चुका है, अपना ऑफिस छोड़ के जा चुका है, तो यहां तक इन्होंने काम कर दिया है। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए, इतना काम करने के बाद भी इसको कब तक ऑपरेशनलाइज लेके आते हैं, वैसे तो कहानी खत्म कर ही दिया, लोकपाल लोकपाल नहीं रहा है वो, कुछ और पाल बन चुका है, पर फिर भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, देखते हैं कब तक ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर भी आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप लोगों को लोकपाल बिल अब कैसा लग रहा है, एक्ट कैसा लग रहा है, इसके बारे में आप अपना क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, आप अपना गुस्सा निकालने के लिए इंडिपेंडेंट है, आप जितना भी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकाल सकते हैं लोकपाल से रिलेटेड, जो भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई वो कपिल शर्मा वाली बात, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई जो इन्होंने लोकपाल के साथ में किया है। चलिए जो भी है आगे चलते हैं, छोटी सी न्यूज है, स्टार्टिंग में क्वालिटी मार्क से रिलेटेड है, पीआईबी की एक क्वालिटी मार्क स्कीम चलाई गई है, आप लोगों से पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है ये, डेयरी कॉरपोरेटिव इनिशिएटिव चलाया गया है, किसके द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, आप लोगों को याद रखना है क्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए, तो क्वालिटी आप लोगों से पूछा जा सकता है कहीं में, तो कोई बोलेगा कि लोगों को में कि लोगों की मतलब इनहेंस क्वालिटी इनहेंस करने के लिए, इम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए, तो काइंड ऑफ कंफ्यूजन में आप लोगों को डाला जा सकता है, तो आप लोगों को क्वालिटी का दूध मिलेगा, क्वालिटी के मदर डेयरी के प्रोडक्ट मिलेंगे, क्वालिटी की दही मिलेगी, क्वालिटी की आइसक्रीम मिलेगी, क्वालिटी की मदर डेयरी की जो भी प्रोडक्ट है वो क्वालिटी के मिलेंगे, तो ये मदर डेयरी से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा, क्वालिटी मार्क स्कीम मदर डेयरी से रिलेटेड है। ओके, थोड़ा सा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में भी सुन लीजिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि ये है, ये फाउंड किया गया था 1965 में, और नाम आप याद जान ही सकते हैं कि एक ही महान हस्ती थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है ना, जिनके द्वारा फ्लड जो कि बोला जाता है कि व्हाइट रिवोल्यूशन भी स्टार्ट किया गया था लोगों तक दूध पहुंचाने के लिए। देखिए इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो करके चली जाती है लोगों के लिए। अमूल इन्होंने चलाया था, अमूल आप लोग जानते हैं, अमूल के प्रोडक्ट जो आते हैं, तो उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेगा। ऑपरेशन फ्लड जो बात कर रहे हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन, और ऑपरेशन फ्लड भी जो दूध प्रोवाइड कराने के लिए सबको, उसके हिसाब से चलाया गया था, ठीक है ना। तो मतलब ऑपरेशन फ्लड आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया को वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था, जो कि ये करके चले गए। देखिए ये होता है करने की पावर, जब आदमी करने पे आता है, ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा याद रखेगा इनके बारे में। देखिए यहाँ पे पीआईबी में ये भी एक न्यूज है, इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया नीचे वाले के बारे में बोला जाएगा, ऊपर वाला रिपब्लिक नहीं है, ऊपर वाले को तो आप जानते हैं क्या, वहां पे एक ही आदमी बस पब्लिक है, ठीक है ना, तो वहां पे छोटू है, वहां पे और कोई नहीं है, तो नीचे वाला रिपब्लिक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी, आप लोगों ने देखा होगा भी इम्पीचमेंट भी हुआ है यहाँ के प्रेसिडेंट का, जो कि संलिप्त पाई गई थी करप्शन के केस में, जिसमें सैमसंग जो कि लार्जेस्ट बहुत ही अच्छी कंपनी है उसके भी ऑफिशियल्स पाए गए थे। तो ये ऐसी रिपब्लिक होती है, ऐसी रिपब्लिक नहीं होती है कि बाल भी मेरे जैसे रखो और खाना भी मेरे हिसाब से खाओ, तो ये वाला रिपब्लिक नहीं होता, तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया अगर कभी भी नाम आता है तो नीचे वाले का आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया लिखा है, साउथ कोरिया नहीं लिखा है, तो रिपब्लिक नीचे वाला है। ओके, येलो सी हो गया, सी ऑफ जापान हो गया, और ईस्ट चाइना सी हो गया। चलिए तो देखिए ये इनके साथ में डिफेंस इंडस्ट्री और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, अगर इसका नाम कभी भी आता है ना शिप बिल्डिंग का नाम, तो आंख मीच के साउथ कोरिया का नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, सबसे बड़े बड़े शिप भी इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल में काम करती है, तो इन्हीं के साथ में हमारा कोऑपरेशन चल रहा है बहुत ही अच्छे से, और मेक इन इंडिया में भी ये फायदा पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ करेंगे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन के साथ में, और ऊपर से एक दूसरे के साथ में कोलेबरेट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जोन जोन से बनाने हैं, शिप इंडस्ट्री से रिलेटेड या कोई और,
और वही है कोऑपरेट करके चलेंगे, और मतलब सेपरेट चीजों को कॉन्ट्रैक्ट क्या होना है और किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो सारी चीजें प्रोजेक्ट के बारे में। बस जो मेरा मेन पर्पज था वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के बारे में बताना था। ये साउथ कोरिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट शिप भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, तो ये बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करते हैं इस वाले फील्ड में। वही ना, जो काम करो टॉप का करो, तो ये उसी काम को टॉप का कर रहे हैं। एक ये वाली न्यूज है, ये वाली न्यूज आप लोगों को काफी अच्छी लगेगी। ये वाली न्यूज है, मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन जो है पार्टिसिपेट कर रहा है बेसल्स नोम के बारे में, सुना होगा आप लोगों ने। ये बैंकिंग वाले नहीं है, ठीक है ना, बेसल्स कन्वेंशन, रोटरडम और स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो ये सारे एक साथ मिलके, पहले अलग अलग है ये, ठीक है ना, तीनों को एक साथ मिला के अब ये काम करने जा रहे हैं। डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो हैजार्ड वेस्ट होता है उसको, या केमिकल या ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं उनको किस तरीके से टैकल करना है। आप लोग बोल सकते हैं जैसे न्यूक्लियर से रिलेटेड चीजें हो गई, या फिर अपने जो मोबाइल फोन हो गए इनको डंप किया जाता है। देखिए जो अमीर कंट्री होती है वो क्या करती है, यहाँ से जैसे पुरानी चीजें हो गई तो उनको गरीब कंट्री में डंप कर देती है, मतलब डेवलपिंग कंट्री में डंप कर देती है, तो उससे वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। केमिकल से, वेपन से रिलेटेड, या फिर कुछ भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, कुछ भी इस तरीके की चीजें होती है जो कि हजार्ड्स हैं लोगों के लिए, तो वो यहाँ पे डंप कर देते हैं इसको लाके। तो इससे रिलेटेड मतलब मीटिंग होने वाली है जनेवा में। जनेवा कहाँ पड़ता है बता दूं? चलिए बता देता हूँ, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीटिंग होने जा रही है। ओके, तो देखिए जो थीम है वो आप लोगों को याद रखनी है, थीम इंपोर्टेंट हो जाएगी। थीम है द फ्यूचर डिटॉक्सिफाइड, मतलब जितने भी हैं उनको डिटॉक्सिफाइड करना है। साउंड मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए ऑफ केमिकल एंड द जो सिलेंडर वेस्ट होते हैं उनको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। देखिए इशू क्या क्या इंक्लूड रहेंगे यहाँ पे, देखिए टेक्निकल, देखिए तो ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो का जो वेस्ट होता है, फोन वगैरह हो गए टूटे फूटे या उससे रिलेटेड जो भी चीजें हो गई, तो ये दूसरी कंट्री खरीद लेते हैं जो कि बेचारे वो हैं थोड़े से, मतलब आप लोग समझ सकते हैं जिनके पास में अच्छी खासी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इन मूवमेंट को इम्पैक्ट पहुंचाने वाले जो भी चीजें हैं वेस्ट, जैसे जो भी तरीके के हैं, या कंटेमिनेटेड जो चीजें हैं जो कंटेमिनेटेड चीजें रखती हैं, या फिर परसिस्टेंट पोल्यूटेंट जो मटेरियल होते हैं जो कि बेसल्स कन्वेंशन के अंदर आते हैं, इसको अभी देखेंगे हम लोग। और इस तरीके की जो भी चीजें हैं मतलब उन सब चीजों पर रोक लगानी है, इन सब चीजों को टैकल करके चलना है। ओके, तो अब तीनों को एक बार अलग अलग देख लेते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बेसल कन्वेंशन फर्स्ट वाला, ठीक है, तो बेसल कन्वेंशन की बात की गई है। बेसल कन्वेंशन एक है, बेसल्स थ्री कन्वेंशन उनके बारे में मत सोचेगा, जो बेसल्स थ्री है वो बैंकिंग से रिलेटेड है, उसको याद रखिएगा। जिनकी इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही है बैंकों को पैसे देने की और उनको थोड़ा सा उनकी कंडीशन सही रखने के लिए जो बात करी गई है वो स्विट्जरलैंड में ही है। हालांकि वो किससे रिलेटेड है, वो बैंकिंग से रिलेटेड है, उसको याद रखिएगा। ये वाला इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, मतलब ट्रेडेड ऐप में बेसल स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और जो साइन की गई थी वो 1989 में की गई थी, और जो इफेक्टिव हुई थी वो 1992 में हुई थी, ठीक है ना। तो ये सिग्नेटरी, ये तो खाली इतनी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये यहाँ पे इसका लोगो हो गया। तो ये काम क्या है इसका, ये काम नॉर्मली क्या कर रहा है, जो जो मतलब एक तरीके से रिड्यूस करना है मूवमेंट ऑफ द हैजार्ड्स जो मटेरियल होते हैं वेस्ट जो होते हैं बिटवीन नेशंस, ठीक है ना, टू प्रिवेंट द हैजार्ड्स वेस्ट। क्योंकि क्या करते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री होती है उनको डेवलपिंग कंट्री में डंप कर देती हैं, जो मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको वो करना है। देखिए डज नॉट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव, इसको याद रखना है आप लोगों को, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकेंड वाला क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से। उसमें क्या है, रोटरडम कॉन्फ्रेंस में जो हुई है, रोटरडम कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है नीदरलैंड में। तो देखिए ये 1989 में हुई थी और 2004 में इफेक्टिव में आई थी। तो इसमें क्या करना है, जो प्रोसीजर है मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या करना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है सारी, जो भी आप एक दूसरे से ट्रांसफर कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं उनके बारे में प्रॉपर लेबलिंग, प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखनी है, और इन चीजों को मतलब ये रखना है इसमें। देखिए पहले वाले में क्या करना है, उनको जाने से रोकना है, ठीक है ना, मतलब जो जा रहे हैं उनको रोकना है जाने से, इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रखनी है इसमें, रोटरडम कॉन्फ्रेंस में, रोटरडम जो कन्वेंशन हुआ है। और जो तीसरे वाला है स्टॉकहोम वाले में बात क्या कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट करना है जितने भी ये पीओपी बोलते हैं, पीओपी बोल देते हैं इनको, जो जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं जो इस तरीके के, मतलब काम क्या होता है, देखिए मतलब बायो एक्यूमुलेशन वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे। देखिए होता क्या है, जो भी इस तरीके की आप क्या ले लीजिए, यहाँ पे मरकरी का एग्जाम्पल ले लीजिए, ये क्या होता है, साइन होता है 2001 में स्टॉकहोम स्वीडन में पड़ता है, जो कि आप लोगों को दिखाया था अभी, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट होते क्या है, इनको इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। देखिए क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन नाम का एक वर्ड होता है, ये होता क्या है, मान लीजिए जैसे मछली है, ये मरकरी है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, पारा जिसको बोलते हैं, तो मछलियों ने वो खाया, ठीक है ना, छोटी मछली ने खाया, फिर छोटी मछली बड़ी मछली को खाएगी, फिर उल्टा बोल दिया बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, ये वाली मछली इसको खाएगी, तो यहाँ पे देखिए पारा इकट्ठा होता जा रहा है इनके अंदर।
अब जब ये आदमी मछली पकड़ने के लिए यहाँ पे इसने अपना वायर डाल रखा है, मछली पकड़ेगा और फिर ये मछली खाएगा, तो इसके अंदर ये सारा सामान चला जाएगा। तो इसी तरीके से बायो एक्युमुलेशन जो होता है वो आदमी के अंदर वो आके इकट्ठा हो जाता है, और जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इस चीजों को रोकने के लिए ये सारी चीजों पर फोकस किया है, किस तरीके से इस पे कंट्रोल किया जाए, जो बायो एक्युमुलेशन वाला फंडा है किस तरीके से इसको रोका जाए, इस पे फोकस देके चल रही है। तो इसीलिए ये सारी कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये अब यहाँ पे होने जा रही है। तो आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताई है। तो तीनों जो फॉर्म है उनको यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गया, ये भी नहीं, ये वाला जो तीनों है, बेसल्स, रोटाडम और स्टॉकहोम, तो तीनों को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। अब तीनों का फोकस है कि किस तरीके से उनको रोकना है, किस तरीके से उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी है और किस तरीके से उसको कंप्लीट हटाना है। तो इन चीजों पर फोकस करके ये चलेंगे, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया आर्टिकल कंप्लीट। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो आएगी अभी, और नेक्स्ट वीडियो जब आती है ना, देखिए उसका आप लोगों को यहाँ पे वो मिल जाएगा पूरा। आप लोग बोलते रहते हैं नेक्स्ट वीडियो कहाँ पे मिलेगी, तो पूरा मैं उसको उस पे मतलब स्क्रीन पे पोस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे वो आप लोगों को मिलेगी। तो उस पर डायरेक्ट लिंक करके आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें सब आंसर मिलेंगे, न्यूज एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे और रिविजन करेंगे कुछ टॉपिक्स का। तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए, और पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी न्यूज पेपर की भी, और ये भी उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। पसंद आया तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और लोगों को शेयर भी कीजिए, लोगों को पढ़ाइए और एंजॉय कीजिए। बी हैप्पी एंड हेल्प ईच अदर। ओके, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।